अच्छा भाई, टुडे टॉपिक जो हम डिस्कस करने आ रहे हैं वो क्या है? चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स थ्योरी, बोहर्स रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रदरफोर्ड के बोहर एटॉमिक मॉडल में जो खामियां पाई गई थी कि लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होने की वजह क्या है, कंटिन्यूस हासिल होना चाहिए, तो असल में यहां पर बोहर्स ने स्टडी की जो वीकनेसेस या डिफेक्ट्स पाए गए थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, उसको बोहर्स ने स्टडी किया और तमाम चीजों को उसने डेरिवेशन की शक्ल दे दी। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बोहर थ्योरी। तो एक नील बोहर नामी साइंटिस्ट 1913 के अंदर स्टडी करा था वो बोहर्स के, वो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की वीकनेसेस की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जस्ट कौन सा साइंटिस्ट है, किस ईयर में किस चीज की स्टडी की इसने, ये हमें लिखना है। देन पोस्टुलेट, पोस्टुलेट क्या है, जो मफरूजात पॉइंट्स हैं बोहर्स में इनिशियली। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोहर, अच्छा पहले डिस्कवरी हो चुकी है न्यूक्लियस की, ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस कितने शो किए एक तरीके से रदरफोर्ड ने। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी इमेजिनरी पोर्शन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इमेजिनरी पोर्शन पर, तसव्वुराती रास्तों पर, और ये इमेजिनरी पोर्शन कहलाते हैं शेल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर शेल में होगा, ना ही ये इनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही ये इनर्जी इमिट करेगा, एब्जॉर्प्शन और लिब्रेशन की कोई खास कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो क्या है इसके बाद देखते हैं। तो फिलहाल इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर शेल में है तो उसमें उसकी इनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी किसी पर्टिकुलर शेल में, और ये जो स्टेट है ये कहलाएगी स्टेशनरी स्टेट, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी इमेजिनरी पोर्शन, दीज पोर्शंस आर कॉल्ड शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। विथ रिस्पेक्ट टू शेल, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेल, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड, दिस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल बता दिया इसने कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वहां जहां मूव कर रहे हैं उसको हम शेल कहते हैं। अब एनर्जी की एब्जॉर्प्शन भी होगी एटम से, एनर्जी की लिब्रेशन भी होगी, उसके लिए खास कंडीशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक एटम है उसमें दो शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल का नाम दिया हमने E1, सेकंड शेल का नाम दिया हमने E2, E2 इज हाई एनर्जी लेवल और E1 इज लोअर एनर्जी लेवल, E2 हायर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी शेल, E1 इज लोअर एनर्जी लेवल, E1 इज ग्राउंड स्टेट और E2 को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, E2 को हम और क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम E1 टू E2 और ग्राउंडेड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा E1 से E2 की तरफ, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी यहां पर, एब्जॉर्ब पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम E2 टू E1, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इट इमिट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट एब्जॉर्ब। इसका मतलब यहां पर एनर्जी का लिब्रेशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा एनर्जी रिलीज होगी, जब लोअर से हायर में आएगा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है मतलब डेल्टा ई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू लेवल और टू शेल्स,
विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो इमिट हो रहा है. इसका मतलब डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच म्यू. जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ई इक्वल कॉन्स्टेंट. ठीक है, फॉर फर्स्ट सेल 1 एच म्यू, सेकेंड सेल 2 एच म्यू, थर्ड शेल 3 एच म्यू. इसका मतलब यहां पर अगर इसको जनरल फॉर्म में लेके जाए तो ये एन एच म्यू में कन्वर्ट हो सकता है. तो फिलहाल यहां पर हमने इक्वेशन दिख दी जो कि अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हियर एच इज प्लांक्स कॉन्स्टेंट, एच इज प्लांक्स कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू विल बी 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड. तो यहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा. ट्रांजिशन का मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, या तो वो ग्राउंड से जाएगा एक्साइटेड में. जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी लेवल मतलब E1 से जाएगा हाई एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट E2, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करेगा. व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट दैट इज हाई एनर्जी लेवल E2 टू E1 लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट, इट इमिट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन. तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के. तो यहां पर इक्वेशन लिखी डेल्टा E इक्वल्स टू एच म्यू. तो ये होगी हमारे पास सेकंड पॉस्टुलेट. अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है वो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ शेल. क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अपना शेल बना सकता है, या फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में दाखिल हो रहा है तो वो किस सेल में आएगा, के सेल में आएगा, एल में आएगा, एम में आएगा. ठीक है, इसका मतलब पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से शेल होते हैं. इलेक्ट्रॉन होगा तो शेल होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं तो शेल वगैरह फॉर्मेशन नहीं होगी. तो यहां पर देखना है पॉसिबिलिटी ऑफ शेल, यानी कि शेल की पॉसिबिलिटी कब है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइटम में दाखिल हो रहा है तो वो कौन से शेल में आएगा, किस तरीके से आएगा. तो यहां पर सिंपल पॉसिबिलिटी ऑफ शेल क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सर्कमफेरेंस जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है, अगर मोमेंटम और सर्कमफेरेंस इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, वो दोनों अगर इक्वल आ गए प्लैंक्स कांस्टेंट के एच के, तो इसका मतलब शेल की फॉर्मेशन हो जाएगी. इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ सर्कमफेरेंस एंड मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इक्वल टू एच देन द शेल विल बी फॉर्म. अगर मोमेंटम और सर्कमफेरेंस का प्रोडक्ट एच के इक्वल आ गया शेल बन जाएगा. मोमेंटम क्या होता है, एम वी. मोमेंटम क्या है, एम वी. सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होगा, 2 पाई आर इफ इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट. अब हम चाह रहे हैं कि कांस्टेंट एक तरफ रह जाए. ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करेंगे, एम वी और आर एज इट इज 2 पाई को डिवाइड करवा देंगे. तो ये क्या आ गया, एम वी आर इफ इक्वल्स टू एच बाय 2 पाई. अब ये एम वी आर क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. अकॉर्डिंग टू बोहर ओनली दो शेल्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू एच बाय 2 पाई. अगर इसको जनरल फॉर्म में लेके आए, फर्स्ट शेल के लिए 1 टाइम्स एच बाय 2 पाई, सेकेंड शेल के लिए 2 टाइम्स एच बाय 2 पाई, थर्ड शेल के लिए 3 एच बाय 2 पाई, 3 टाइम्स. इसका मतलब अगर जनरल फॉर्म में लेके आए तो यहां पर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एन से. तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई. हियर एन इज इंटीग्रल मल्टीपल. यहां पर एन किस चीज को दिखाया कर रहा है, एन इज इंटीग्रल मल्टीपल. एन मे बी 1, 2, 3, 4, डिपेंड कर रहा है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है. तो यहां पर पॉस्टुलेट क्या बन गया भाई, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ओनली दो शेल्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई. ठीक है, तो यहां पर जो पॉस्टुलेट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. अब इसमें इनिशियल पॉस्टुलेट था शेल के बारे में, शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं. सेकंड था कि एब्जॉर्प्शन और इमिजन या एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन एनर्जी की कब होगी, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, लोअर एनर्जी लेवल का नाम क्या है, हाई एनर्जी लेवल किसे कहते हैं, और पॉसिबिलिटी ऑफ शेल कब होगी इलेक्ट्रॉन के लिए. तो हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए.
अब इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे यहां पर डेरिवेशंस रेडियस एनर्जी वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ के लिए आज से, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज हम लोगों ने पॉस्टुलेट कर लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज। Close till I get up, time is barely on our side.